गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किया ध्वजारोहण, बढ़ाया कर्मभूमि का मान। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कर भावुक हुए मुख्यमंत्री, इसी मैदान में सौंपी थी छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी। गणतंत्र दिवस पर मध्याह्न भोजन में शामिल हुए सीएम कमलनाथ, साथ खाया खाना और खिलाई मिठाई। और गणतंत्र दिवस पर शान से लहराया तिरंगा, कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थाओं में हुआ ध्वजारोहण, बच्चों ने पेश किए कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिनभर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दी शुक्ला। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे ग्लोबल टीवी के सभी दर्शकों को हमारे पूरे ग्लोबल परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। 70वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छिंदवाड़ा के लिए गणतंत्र दिवस समारोह 2019 उन स्वर्णिम पलों में शुमार हुआ जब छिंदवाड़ा वासियों ने अपनी उम्मीदों के सपने को साकार होते देखा। गणतंत्र दिवस पर मुख्य समारोह में भोपाल की जगह छिंदवाड़ा में शामिल होकर मुख्यमंत्री और जिले के सांसद कमलनाथ ने मातृभूमि के साथ साथ अपनी कर्मभूमि को भी गौरवान्वित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुली सभी जीत में सवार होकर परिनिरीक्षण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपके साथ हैं जिला कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा और ध्वज वंदना के पवित्र क्षणों में उपस्थित विशाल जनसमुदाय का आत्मीयतापूर्वक अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्य निश्चित रूप से मन को आनंदित कर देने वाला है। जन समुदाय आनंदाभिलेख से अभिभूत है। ऐसे बटालियन के समय उत्तरी पास से गुजर रही है, यहाँ रंग बिरंगी वेशभूषा में सजे समय स्कूली बच्चे बैठे हैं। इन्हीं नौनिहालों के कोमल मन में देशभक्ति का जज्बा और अच्छे संस्कार भरने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान के प्रति अगाध आस्था से परिपूर्ण ये भी बच्चे देश की सर्वाधिक मूल्यवान धरोहर है और हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। मैं संविधान के निर्माण से जुड़े बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्मात्र सभा के सदस्य और स्वतंत्र संग्राम के उन बलिदानियों और सेनानियों का कृतज्ञ पूर्वक स्मरण करता हूँ। पदभार ग्रहण करते ही पात्र किसानों को 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी का आदेश हमारी सरकार ने जारी कर दिया। रोजगार और कौशल विकास को जोड़कर हम एक नई योजना युवा स्वाभिमान योजना लागू करने जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीब युवकों को 1 साल में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अंतर्गत 10 फरवरी से
युवाओं का पंजीयन प्रारंभ होना होगा और फरवरी माह में ही रोजगार और कौशल देने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस वचन की पूर्ति की ओर पहले कदम के रूप में मैं अप्रैल के प्रथम सप्ताह से मिलने वाली पेंशन की राशि बढ़ाकर 600 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी। इसके बाद हम इसे बढ़ाते जाएंगे। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि सरकार ने विषम वित्तीय परिस्थितियों के कार्य संभाला है, फिर भी जनता से किए गए वादों को ईमानदारी के साथ पूरा करने में कोई वित्तीय बाधा आए नहीं आने दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं एक बार पुनः अपनी सरकार को गण के प्रति समर्पित करते हुए प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख चैन की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय मध्य प्रदेश। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज अंडर ऑफिसर सीनियर अंडर ऑफिसर शामुअल नोहा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में पुलिस परेड ग्राउंड में संपन्न गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांधा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ ज्येष्ठ पुत्र एवं युवा कांग्रेसी नेता नकुल नाथ, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना सहित जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा सहित अधिकारी मौजूद थे। Oh,
को देखने पर 2 लाख रुपए की राशि और सत्तरवां गणतंत्र दिवस समारोह मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में एक शानदार आयोजन रहा। इस बार पहली बार अश्वारोही दल भी गणतंत्र दिवस का आकर्षण था। प्रदेश के सुरक्षा बल में अहम भूमिका निभाने वाले अश्वारोही दल के घुड़सवारों ने शानदार प्रदर्शन से सभी की तालियां बटोरी। तेज स्पीड लेकिन संतुलन देखने लायक, एक स्वर्ण 2 रजत पदक के साथ ये आप स्पीड देखिए उसको। आर महावीर प्रसाद अश्व पहली पर सवार, ये फायर जंप ये आर योगेश कोंडे अश्व योद्धा पर सवार, जोरदार तालियां आप बजाते रहे। बहुत सुंदर जंप किया आर योगेश कोंडे ने अश्व योद्धा पर सवार होकर, जैसे कि विदित है योद्धा वाकई योद्धा होता है। ये माननीय जवान घुड़सवार टीम के मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न 70वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। सुदूर आदिवासी अंचल में विद्यालय में आप देखा श्री अजय शुक्ला जी कुमारी सुलोचना काकुड़िया मतदान में सम्मानित किया गया है। हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय महारानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारतीय कन्याशाला एनएलए प्रभारी और 2 बच्चे आ जाए। भगवान श्री चंद हायर सेकेंडरी स्कूल शालाओं में राष्ट्रीय पर्वों के खास अवसर पर मध्याह्न भोजन पर्व भोज होता है, लेकिन इस बार शासकीय स्कूल सर्रा के बच्चों के लिए यह पर्व भोजन आजीवन अविस्मरणीय यादों में शुमार हो गया, क्योंकि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस भोज में बच्चों के साथ शामिल हुए और अपने हाथों से मिठाई तथा लड्डू भी खिलाए। और प्रदान करेंगे।
कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके बच्चों, अपने देश का इतिहास, स्वतंत्रता का इतिहास हमारे पूर्व नेताओं की कुर्बानी से, इनके संघर्ष से आज हमारे देश में प्रजातंत्र केवल नहीं पर मजबूत, अपने देश का पहचान विश्व भारत की प्रजातंत्र है। क्योंकि भारत के प्रजातंत्र के बाद जब भारत में प्रजातंत्र स्थापित हुई, तब अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने आजादी हासिल की और उन्होंने हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से बहुत कुछ सीखा और अपने भारत के संविधान की नकल की। बहुत बड़ी आवश्यकता है कि बच्चे ही आज जो बच्चे हैं यही हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। यहाँ पे बच्चों के साथ भोजन सर गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पे दो बच्चियाँ साथ में मौजूद हैं और अब जो है भोजन की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हिंदू रीति रिवाज में माना जाता है कि जो कन्या कैसा चल रहा है उनका करके जो है शुरुआत की जाती है, शुभ माना जाता है। और अब जो है खबरों के सप्ताह को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए सटी हलचल। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स लाए हैं बम्पर उपहार योजना। इस उपहार योजना में प्रथम उपहार है होंडा एक्टिवा, द्वितीय उपहार है शानदार एलईडी टीवी, तीसरा उपहार वॉशिंग मशीन, चौथा उपहार है मोबाइल फोन और पांचवें उपहार के रूप में अन्य होम अप्लायंसेस। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर, वॉशिंग मशीन, सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आकर्षक उपहार, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा और साथ ही सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट सुविधा। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के पास चिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग। श्री राणा मैरिज लॉन के साथ शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स, यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड, हर वो व्यंजन
जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। गिरनार शॉपिंग। तो आइए छिंदवाड़ा के बेस्ट सुपर बाजार, जहां हर दिन है ऑफर ही ऑफर। 500 की खरीदी पर एक कूपन और 20 कूपनों पर 500 की खरीदी मुफ्त। बचत का वार गुरुवार और रविवार, जिसमें आप पाएंगे 999 की खरीदी पर 2 किलो शक्कर फ्री, लेडीज टॉप पर 20% की भारी छूट। गिरनार शॉपिंग, उत्तम क्वालिटी का किराना, जनरल प्लास्टिक आइटम, लेडीज पर्स एवं ज्वेलरी, मेंस वेयर, लेडीज वेयर, बच्चों के खिलौने, ऊनी कपड़े, बेकरी प्रोडक्ट, सब कुछ वाजिब दामों में उपलब्ध। गिरनार शॉपिंग, गांधीगंज, छिंदवाड़ा। गिरनार शॉपिंग। स्टेटस फर्नीचर, हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो क्वालिटी है, स्टेटस है तो डिजाइन है, स्टेटस है तो भरोसा है, स्टेटस है तो वैरायटी है। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर आपके लिए लाए हैं 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा बिना प्रोसेसिंग चार्ज के। तो आइए जिले के सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम में, जहां आपके लिए है स्टेटस फर्नीचर। नगद खरीदी पर 20,000 तक के गिफ्ट वाउचर, झूले और रिवॉल्विंग चेयर, किफायती दामों पर फर्नीचर्स की विशाल रेंज, बेडरूम सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग सेट, गार्डन फर्नीचर, मॉड्यूलर फर्नीचर, आर्ट इफेक्ट्स और फ्लावर सेट। स्टेटस फर्नीचर, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर्स एंड इंटीरियर सॉल्यूशंस। स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता स्टेटस फर्नीचर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और बाकी बढ़ते हैं खबरों में। MLP कन्याशाला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने करोड़ों की सौगातें दी। कार्यक्रम में 25 करोड़ 38 लाख 44 हजार रूपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री आश्रय योजना के अंतर्गत 1,236 हितग्राहियों को अधिकार पत्र प्रदान किए, तो साथ ही लाभार्थी योजना के अंतर्गत 2,468 हितग्राहियों को 24 करोड़ से अधिक राशि का वितरण भी किया। जिला के कार्य विभाग के अंतर्गत छात्रावासों का प्रथम किस्त 1 लाख रुपए की राशि उन्हें आज यहाँ से प्रदान की जा रही है। ताली बजाइए। इन कार्य के अंतर्गत 10 करोड़ में शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं शुभ संपदा। आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट वैकल्पिक स्रोत के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 50 वोट छिंदवाड़ा में कराए। मुझे कहते हैं खुशी उन घोरों में कमलनाथ जी की मेहरबानी से, कमलनाथ जी के सहयोग से, आशीर्वाद से और भगवान की ऐसी कृपा रहे कि सभी बोरों में इतना अच्छा पानी मिला है कि हम महीने भर बाद जब माचापुरा का पानी ला के देंगे, उसके पहले पूरे शहर में हर ट्यूबवेल से करीब 2,500 से 4,000 मकान परिवारों को सबको हर जगह से पानी मिलेगा 50 बोर। और 1 मार्च से कमलनाथ जी का वादा है कि माचापुरा का पानी पुराने ट्रीटमेंट प्लांट पर लाके छिंदवाड़ा शहर के लोगों को दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस मेरा पहला गणतंत्र दिवस मुख्यमंत्री के रूप में भोपाल में ना हो छिंदवाड़ा में। खाने आए कि देखने आए पता नहीं। मेरे से बहुत लोगों ने यह प्रश्न पूछा कि आप गणतंत्र दिवस में तो भोपाल में रहना चाहिए। मैंने कहा कि मेरे लिए तो मेरी राजधानी छिंदवाड़ा है, भोपाल नहीं, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास से मैं यहां तक पहुंचा। आपने जो मुझे 40 साल अपना प्यार और विश्वास दिया है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। गणतंत्र दिवस में हम उन नेताओं को याद करते हैं, पूर्व नेताओं को याद करते हैं जिनके बलिदान, जिनके संघर्ष से
आज हमारा देश आजाद हुआ है। हमारा देश आजाद हुआ उनकी कुर्बानी थी। हम आज उन नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो केवल अपने देश को ही संविधान नहीं दिया, शायद आप जानते नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो कई अफ्रीका के देश के राष्ट्रपति के यहां भी लगी रहती है कि उनके उनके मार्गदर्शन में अफ्रीका के देशों ने भी अपना संविधान बनाया। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर को इस हमें संविधान दिया, हमने प्रणाम करते हैं, हम सब याद करते हैं सब पूर्व नेताओं जिनके संघर्ष के कारण हमारे देश ने आजादी हासिल करी। विश्व में भारत की ओर जब देखा जाता है सबसे बड़ी शान हमारी प्रजातंत्र है, बहुत बड़ी शान, सबसे बड़ी शान और सबसे बड़ा प्रजातंत्र विश्व में भारत है। एक नया दृष्टिकोण, एक नया इतिहास हम आने वाले समय में बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मोहन यादव वार्ड नंबर 7, श्री वेदराम बुनकर जी साधारण मंत्री थे, श्री सुभर सिंह मांडेकर, श्री मनमोहन सिंह, श्री वीरसा उइके हितग्राहियों के खाते में सीधे 1,00,000 रुपए की राशि, 2467 जो हमारे हितग्राही है बीएलसी के उनके खाते में 1,00,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में उनके खाते में जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लैपटॉप की बटन दबाकर उनके खाते में मोहम्मद अहमद ये प्रतीक स्वरूप चेक दे रहे हैं आपके खाते में। 2400 आदिवासी बहुल क्षेत्र है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मच्छर रानी रीना सुनील साहिबा ढिमरा नाना से ही संतोषी शनिराम सदलाम 483 ग्रामों के लिए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के। इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड और समीपस्थ पार्क वह यादगार भूमि है जहां पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सभा को संबोधित करते हुए अपने तीसरे पुत्र के रूप में मुख्यमंत्री कमलनाथ को छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजू स्वामी जी, श्री शिव शंकर जवाब जी, आप जितने पार्षद आएंगे सम्मानी सबका आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। रेखा मंडरा जी, सुशीला पारे जी, सरला श्रीवास्तव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के आनंद राजपूत जी, सभी का स्वागत करते हैं हम यहाँ। स्वागत करने वाले आज उसी स्थान पर आकर जहां इंदिरा जी ने छिंदवाड़ा के मतदाताओं से अपील करी थी, निवेदन किया था कि छिंदवाड़ा के मतदाता मुझे अपना प्यार और विश्वास दें, केवल मत ही नहीं प्यार और विश्वास दें, और यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके प्यार और विश्वास और आपकी दी हुई बल और शक्ति से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। गणतंत्र दिवस पर मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज हम उन पूर्व नेताओं ने जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया,
हमारा देश आजाद हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम याद करते हैं कि उन्होंने हमें संविधान दिया। और अभी मैं कह रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने केवल अपने देश को ही नहीं, बहुत अन्य देश, अफ्रीका के देश को उन्होंने मार्गदर्शन दिया। या बाबा साहब अंबेडकर के कारण उनका खुद का, उन खुद देशों का संविधान भी बना। तो आज हम बाबा साहब अंबेडकर जी को प्रणाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं। और इस दिन गणतंत्र दिवस में हम सब संकल्प लें कि हमारी भारत की जो मजबूत प्रजातंत्र है, इसमें कोई कमजोरी ना आए। कई प्रयास किए जाते हैं कि प्रजातंत्र की जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें कमजोर किया जाए, हो सकता है, पर सबसे बड़ा तो हमारा प्रजातंत्र है और यही भारत की शान है। आज हम संकल्प लें कि हमें अपने प्रजातंत्र को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रजातंत्र के जो मूल्य है, केवल जो लिखी हुई प्रजातंत्र है, लिखी हुई संविधान है, पर संविधान के साथ संविधान के संकेत कुछ मूल्यों पर भी है। और यही मूल्य है जो भारत की विभिन्न भाषाएं, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न रसम, भारत एक झंडे के नीचे खड़ा रहता है। यही सबसे बड़ी पहचान भारत की है विश्व में, कि अपना देश इतनी अनेकता के बावजूद भी आज एक झंडे के नीचे है। तो संविधान को किसी तरह डाइल्यूट नहीं होने देंगे, किसी तरह हमारी जो संविधान की संस्थाएं हैं, संविधान की संस्थाएं हैं, उन्हें कमजोर नहीं होने देंगी, क्योंकि इसी से ही हमारी संविधान और हमारी प्रजातंत्र की रक्षा होती रहेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा का जिला कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जिले के सांसद कमलनाथ ने स्वस्थ एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए सभी का आह्वान किया और शिक्षा, समाज सेवा तथा समग्र उत्थान की दिशा में काम कर रही संस्था वर्ल्ड विजन की तारीफ की और संस्था के युवाओं का हौसला भी बढ़ाया। और भी अतिथिगण हैं और मैं प्यारे बच्चों के पैरों बहुत खुश हुई आज गणतंत्र दिवस के दिन आप सब। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हम पिछले 10 साल के नहीं कर पाए, हम आगे आने वाले समय में इसकी पूर्ति होए। मुझे मैं तो यही कहना चाहूंगा, आनंदवाड़ा के लोग जो हैं और आप अपने साथियों को भी हृदय में कहिएगा कि आप लोग कभी थोड़ी अपनी आवाज ऊंची करते रहे, अपनी बाहें साथ रहे। आप सरल स्वभाव के सीधे साधे हैं और यही कहा कहता है कभी आप उपेक्षित रह जाते। मेरे ऊपर तो जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है और एक एक गांव की छिंदवाड़ा की आवाज तो आपको उठाएंगे, आप उठाएंगे और उसकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। वर्ल्ड विजन को मैं धन्यवाद देता हूँ, बड़े निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, सामाजिक कार्य में जुड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में वर्ल्ड विजन का जो कार्य है इसका और फैलाव होगा और दूसरे क्षेत्रों में भी होगा। हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए वो तो जरूर मिलेगी। आप मानने वाले बनिए, आप मानने वाले बनिए ताकि हमारे छिंदवाड़ा जिले के लोग लाभ हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवानी वर्मा आप करके आ रहे हैं। रविशंकर वर्मा करके आ रहे हैं। रविशंकर ठीक है।
एफडीडीआई में सीएम कमलनाथ ने भारत पर्व के शुभ अवसर पर छिंदवाड़ा मॉडल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय पूरे देश में छिंदवाड़ा जिले में है। कौशल विकास होता है जी सर, जी जी बिल्कुल बना लेंगे सर। जी जी सर, जी सर। देश के 70वें गणतंत्र दिवस की रौनकें जर्रे जर्रे में दिखाई दी। शहर के कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं व विभिन्न प्रतिष्ठानों में तिरंगा पूरे शान से लहराया। हमारी तिरंगा है, पहचान हमारी तिरंगा है, मर मिटने को है तैयार, जान से प्यारा तिरंगा है। शान हमारी तिरंगा है, पहचान हमारी तिरंगा है, मर मिटने को है तैयार, जान से प्यारा तिरंगा है। प्यार की बोली से जीता हमने दुनिया का दिल, है बुलंद इरादे जब बढ़ जाती है मुश्किल। प्यार की बोली से जीता हमने दुनिया का दिल, है बुलंद इरादे जब बढ़ जाती है मुश्किल। हर मुश्किल आसान करते हैं, मिट्टी को सोना करते हैं, इस मिट्टी की खुशबू पर हम सब कुछ कुर्बान करते हैं, सब कुछ कुर्बान करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे। ये हमारे गुनगुनाए, रोशन है अब सारी फिजाएं, ये हमारे गुनगुनाए। दिल पे लहू से लिख देंगे अभिमान हमारा तिरंगा है, शान हमारी तिरंगा है, पहचान हमारी तिरंगा है, मर मिटने को है तैयार, जान से प्यारा तिरंगा है। आशिकी मेरी है वतन से, जिंदगी मेरी है वतन से, आशिकी मेरी है वतन से, जिंदगी मेरी है वतन से, हर खुशी मेरी है वतन से, बंदगी मेरी है वतन से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 हो आज रंग दे हो माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला 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 माए रंग दे बसंती लौटेंगे लेकर आजादी का टोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती इस चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती। कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने गणतंत्र दिवस की सुबह कलेक्टर बंगले में तथा कलेक्ट्रेट प्रांगण में ध्वजारोहण किया।
जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन कर देशभक्त समाज सेवी युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। आज बहुत शुभ प्रसंग है कि सत्कार हीरो स्मॉल फाइनेंस बैंक और पत्रिका परिवार की ओर के हीरो होंडा सत्कार कैंपस में ब्लड रक्तदान का शिविर रखा हुआ एक बहुत पुनीत कार्य है। लगभग इसमें 75 से 100 लोगों ने आज यहाँ रक्तदान किए। बंधुओं, रक्तदान से कभी नुकसान नहीं होता, इससे आप किसी को जीवन दे सकते हैं। मैं इस पुनीत कार्य के लिए तीनों की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लिटिल वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ताजनगर कुकड़ा में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बालाजी पब्लिक स्कूल में रिपब्लिक डे के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया, जिसके पश्चात बच्चों ने राष्ट्रभक्ति पूर्ण प्रस्तुतियों से पर्व की खुशियों को चार चांद लगाए।
सत्तरवें गणतंत्र दिवस पर फर्स्ट स्टेप स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और रंगारंग प्रस्तुतियों से बच्चों ने राष्ट्रीय पर्व को देशभक्ति रंग प्रदान किया। विद्यालय मोहखेड़ में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण का सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड ग्रुप ने देश की समृद्धि, सुख शांति और सौहार्द की कामना के साथ गणतंत्र दिवस पर प्रभु की प्रार्थना आराधना की।
और अब इन तमाम खबरों को समेटते हैं किसान देखते हैं सुर्खियां। एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में किया ध्वजारोहण, बढ़ाया कर्मभूमि का मान। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कर भावुक हुए मुख्यमंत्री, इसी मैदान में सौंपे थे छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी। गणतंत्र दिवस पर मध्याह्न भोजन में शामिल हुए सीएम कमलनाथ, साथ खाया खाना और खिलाई मिठाई। और गणतंत्र दिवस पर शान से लहराया तिरंगा, कार्यालयों व शैक्षणिक संस्थाओं में हुआ ध्वजारोहण, बच्चों ने पेश किए कार्यक्रम। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था, आपसे विदा लें, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। नमस्कार।